जहां एक तरफ इंडियन आर्मी 10+2 12th पास स्टूडेंट्स को टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से इंजीनियरिंग करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट्स यानी कि वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं या फाइनल ईयर बीटेक में, उन्हें रिक्रूट कर रहा है। आखिरकार इंडियन आर्मी को क्या जरूरत पड़ी टीजीसी की? आखिरकार टीजीसी एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री में क्या वर्क प्रोफाइल होता है? टीजीसी इंजीनियर्स का क्या काम होता है इंडियन आर्मी में? आइए समझते हैं इस वीडियो में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। ये कोर्स उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके पास टेक्निकल ग्रेजुएशन है यानी कि जिन्होंने बीटेक कर रखा है। अब मुद्दा आता है कि बीटेक किस स्ट्रीम में, तो मैं आपको बताऊं, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, आईटी, बीटेक इन आर्किटेक्चर, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन कंस्ट्रक्शंस, बीटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग तक, ऐसे सारी स्ट्रीम्स वाले एस्पिरेंट्स को फौज मौका देती है टीजीसी एंट्री के माध्यम से साल में 2 बार इंडियन आर्मी को परमानेंट ज्वाइन करने का, यानी कि परमानेंट कमीशन है। अक्सर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं, परमानेंट कमीशन यानी कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व करेंगे एंड आप पेंशनेबल होंगे। अब केवल बीटेक एक रिक्विजिट कंडीशन नहीं है, बीटेक में अच्छे परसेंटेज भी होनी चाहिए, तो इंडियन आर्मी शॉर्टलिस्टिंग करता है और शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बोर्ड्स पे बुलाता है। इन इंटरव्यू के बोर्ड्स में आपको 5 दिन का इंटरव्यू देना होता है और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होता है और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। 49 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट रैंक अवार्ड होती है और इंडियन आर्मी आपको टेक्निकल ऑफिसर का ओहदा देती है। ऐसा नहीं है कि टीजीसी एंट्री के थ्रू आप सिर्फ टेक्निकल ऑफिसर बनेंगे, आप आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एयर डिफेंस किसी भी यूनिट में जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे एक टीजीसी एस्पिरेंट या तो ईएमई यूनिट में जाता है या वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में जाता है या वो इंजीनियर्स में जाता है। और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पीस टाइम में भी और वॉर टाइम पे भी भारतीय फौज के काम आते हैं। अगर हम ईएमई एंट्री या ईएमई यूनिट के बारे में बात करें तो ईएमई कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स से बनता है और आर्मी बेस वर्कशॉप भी इनको बोला जाता है। इनका काम रिपेयर्स, इंस्पेक्शंस, रिकवरी, ट्रायल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल एडवाइस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, स्केलिंग जैसे प्रोफाइल्स में इन टेक्निकल ऑफिसर्स को रखा जाता है और आर्मी बेस वर्कशॉप की वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। ईएमई की वजह से भारतीय फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, जितनी फौज की मेंटेनेंस का काम है, जितनी फौज की ट्रकों का मेंटेनेंस का, ये सारा काम ईएमई देखता है, जिसे बोलते हैं कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो जनरली ईएमई में पोस्टेड होते हैं। ईएमई के बाद आता है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, जहाँ पे सीएमई सेंटर पुणे मुख्य रोल अदा करता है इसका, मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स, बॉम्बे सैपर्स जैसी फेमस बटालियंस हैं जहाँ पे इन इंजीनियर्स को पोस्टिंग दी जाती है और इन इंजीनियर्स से काम कराया जाता है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की बात की जाए तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का मेन एम है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रदान करना, चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे वो कॉम्बैट के टाइम हो, चाहे वो डिजास्टर्स के टाइम हो। डिजास्टर्स के समय उस पर्टिकुलर एरिया को बाकी एरिया से कनेक्ट करने का काम इस कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की फेमस यूनिट मद्रास सैपर्स
वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट है इंडियन आर्मी की है, और मद्रास सैपर्स के काम पूरे देश में मशहूर हैं। हाल ही में हुई लैंडस्लाइड में भी मद्रास सैपर्स का अपने आप में एक काम था। तीसरी यूनिट है इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स के अंतर्गत मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES आती है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। MES ही है जिसने फौज के अस्पताल, जिसने फौज के रनवे, जिसने फौज के एयरफील्ड्स, जिसने फौज के मरीन स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया है। MES ही है जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर्स ऑफिसेस इन सब का सिविल वर्क देखती है। MES ही है जिसने फौज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है देश में। इंजीनियर्स के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बॉर्डर्स को डेवलप किया है। हिमालयन रीजन हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, राजस्थान का रीजन हो, हर जगह जो बॉर्डर को डेवलप किया है, जो बॉर्डर को बिल्डअप किया है, वो आखिरकार इंजीनियर्स यूनिट ने किया है, वो आखिरकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो अपने आप में इंजीनियर्स के अंतर्गत आते हैं। ये इंजीनियर्स कॉम्बैट के समय रातों रात, डिजास्टर्स के समय रातों रात हेलीपैड बनाते हैं, रातों रात ट्रैक्स बनाते हैं, रातों रात ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, रातों रात बॉर्डर्स में माइंस बिछाते हैं, और अपने आप में इन इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है देश की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में। यानी कि अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं और TGC ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो आप EME सेंटर, या तो आप कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, या आप इंजीनियर्स यूनिट ज्वाइन करते हैं एज टेक्निकल ऑफिसर, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, सिर्फ आर्मी को नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, सिविल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल सपोर्ट देते हैं। अपने आप में यही रीज़न है कि इंडियन आर्मी TGC एंट्री को परमानेंट करता है। इसी का एक शॉर्ट सर्विस वेरिएंट भी है जिसको SSC टेक एंट्री बोलते हैं। लेकिन TGC अपने आप में परमानेंट कमीशन होने का यही कारण है कि इंडियन आर्मी को इंजीनियर्स की ज़रूरत है कॉम्बैट रोल में, पीस टाइम पे एंड वॉर टाइम सिचुएशंस पे। अगर आप भी एक BTech ग्रेजुएट हैं और आपने TGC का फॉर्म भरा है, तो मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर्ड होके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगस्त लास्ट से सितंबर 15 तक आपकी SSB शेड्यूल हो जाएगी। मैं बात 2024 की कर रहा हूँ, अगस्त से सितंबर 2024 के बीच में, अगस्त लास्ट वीक से, क्योंकि 24 अगस्त तक कहीं ना कहीं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 10+2 TS एंट्री की SSB ले रहा है। इसके बाद आती है TGC एंट्री, और TGC एंट्री में लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी 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 हाई, बिकॉज भारत में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स एक साल में ग्रेजुएट होते हैं। अगर आप भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, आपने BTech कर रखा है, तो मेरे आपसे आग्रह रहेगी कि गो प्रिपेयर्ड, बिकॉज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पास रेट मात्र 3.6% है। अगर आप भी TGC एंट्री की SSB का इंतजार कर रहे हैं, तो आप त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के इलाहाबाद ऑफिस आ सकते हैं, आप त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के रांची ऑफिस आ सकते हैं, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के दिल्ली ऑफिस आ सकते हैं, और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। हमारी सबसे पुरानी ब्रांच कॉरपोरेट ऑफिस इलाहाबाद में, जहां 2003 से हम SSB इंटरव्यूज़ की तैयारी कराते आ रहे हैं। पहले फाउंडर खुद लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी एयरफोर्स के GTO ऑफिसर थे, वो खुद SSB की कोचिंग प्रोवाइड करते थे, और 2021 में उनके डिमाइस के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो इंडियन आर्मी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 19 SSB के प्रेसिडेंट थे, वो एवं ब्रिगेडियर अमर नारायण सर एवं कर्नल सौमित्र दत्त सर, कैप्टन SK सर, ये सारे SSRs आपको SSB इंटरव्यूज की तैयारी कराएंगे। 14 दिन के इस कोर्स में आपके अंदर नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को उभारेंगे,
आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए अपना एसएसबी के हॉस्टल और डॉर्मेट्री भी है विद इन द कैंपस। एक छोटा सा जीटीओ ग्राउंड है जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं। कर्नल पंकज मल्होत्रा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे और साथ साथ कर्नल सौमित्र दत्त सर एसएसबी बोर्ड में जीटीओ ऑफिसर थे। वो कैप्टन एस के सर जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे ऑफिसर्स का एक उपदेश है कि हम टेक्निकल ग्रेजुएट्स को इंडियन मिलिट्री अकेडमी पहुँचाएंगे, हम अच्छी गाइडेंस देंगे ताकि कैंडिडेट्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो समझेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट्स इन इंडियन आर्मी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें सो दैट वीडियो जैसी नई आए आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।